और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा मैं सैमसंग B313 के बारे में, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूं, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर बैटरी डाल देता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बैटरी डाली इसके अंदर, तो एक तो ये दूसरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो सैमसंग के सभी तकरीबन की पैड मॉडल ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाते हैं। तो इसमें चार्जिंग का फॉल्ट है, चार्जिंग का फॉल्ट आप सभी के सामने है। अभी मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या फॉल्ट है, ठीक है। तो मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ, तो मैंने जैसे ही पावर ऑफ की इसकी, तो मैं अभी इसके अंदर जो है चार्जिंग लगा देता हूँ। तो चार्जिंग मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्या, तो ये फॉल्ट है दोस्तों, चार्जिंग सेट वोल्टेज टू हाई, मतलब जो वोल्टेज हमको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वोल्टेज हमको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आईसी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसकी जो है आईसी चेंज करके देख लेता हूँ, अगर आईसी का फॉल्ट हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले आप इसकी चार्जिंग आईसी चेंज कर लीजिए एक बार, शायद ही आपका फॉल्ट निकल जाए। तो मेरे पास एक मदरबोर्ड पड़ा है ख़राब, तो अगर आपके भी पास पड़ा है तो आप उसमें से निकाल लीजिए। मैं एक बार इसको स्टैंड पे लगा लेता हूँ। तो प्लेट मैंने इसके अंदर फिट कर दी है, और थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ब्रिज से भरी, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो दोस्तों, थोड़ा तेज डाल लेना है, ठीक है, ताकि आपकी जो आईसी हो सकता है आपकी आईसी सही हो, तो आपको दोबारा लगाएं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा पेस्ट इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो इस तरह से पेस्ट लगा लेने के बाद दोस्तों, आपने जो है चार्जिंग आईसी को जो है बाहर निकाल लेना है, और जो मदरबोर्ड पड़ा है मेरे पास ख़राब, तो ये मदरबोर्ड है, ठीक है, मैं इसमें से जो है निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड है और ये आप सभी के सामने आईसी है। तो मैं एक बार इसको जो है उल्टी सीधी देख लेता हूँ लेंस से, अगर आपके पास भी लेंस है तो आप भी देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों, आईसी मैंने इसमें निकाल के साइड में रख दिए, तो ये रखिए आप सभी के सामने, ठीक है। अब जो आईसी मैं इसमें से उतारूंगा, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिए एक बार कैसे उतारते हैं, ठीक है। तो इस पर भी अभी थोड़ा पेस्ट लगा देता हूँ, ताकि ये जो है तो पेस्ट इसलिए लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो आईसी है वो ज़्यादा गर्म होने के बाद फटक सकती है, तो इस बात का आपको भी पता होगा, ठीक है। तो मैं इसमें से आईसी जो है निकाल लेता हूँ। तो मैंने आईसी इसमें से निकाल ली है दूसरे बोर्ड से, और अभी इसको इधर ही
थोड़ा ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। और चिली में एक बार आपको आइसी दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर उठा के कि हमारा आइसी कैसे लगा है। तो आप देख पा रहे हो ठीक है, प्रॉपरली इसको जो है अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी आइसी। तो मैं एक बार अच्छे से आपको दिखाऊँगा चिली में, थोड़ा एक बार इसको जो है ठंडे होने का वेट करते हैं। और इसको यहाँ से सर्कल से बाहर निकाल लेते हैं इसके, और अभी थोड़ा और जूम कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं ठीक है, आईसी है बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है, और नीचे के ट्रैक भी आपको देख पा रहे हैं ठीक है। तो अभी आपने बिल्कुल ठंडा होना है, ठंडे होने का वेट करना है, और उसके बाद आपने जो है चार्जिंग आईसी को जो है चेक करना है ठीक है। अभी मैं थोड़ा ठंडे होने का वेट करता हूँ। तो थोड़ा और वेट करना है, थोड़ा ठंडा होने का वेट करना है। और एक बार इसको जो आपने अच्छा जो आपके पास लिक्विड यूज करते हो एक बार अच्छे से जो इसको साफ कर लेना ठीक है, ताकि आपका जो पेस्ट है वो इधर उधर ना फैले। तो मैंने इसको अच्छे से ऊपर साफ कर दिया ठीक है, तो ये आई समझ लग चुकी है। और अभी मैं इसको जो है मदरबोर्ड के अंदर डाल देता हूँ ठीक है। अभी ये रेडी है, और फिटिंग इसकी बाद में करेंगे, लेकिन पहले इसकी टेस्टिंग करेंगे ठीक है। तो मैं पहले इसको बैटरी इसमें डाल देता हूँ। तो बैटरी मैंने डाल दी है, तो अभी इसकी जो है तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम और थी दोस्तों, आप सभी को पता है क्या प्रॉब्लम थी। ये ऑटोमेटिक जो है पावर ऑन हो रहा था ठीक है, ऑटोमेटिक ही। तो अभी चार्जिंग हमारी बिल्कुल सही तरीके से चल चुकी है ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये आईसी का फॉल्ट होता है दोस्तों ठीक है। अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आए तो आप आईसी चेंज कर सकते हैं इसकी ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको जो है दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड था जिसमें से मैंने आईसी निकाल ली थी ठीक है। तो ये मदरबोर्ड बिल्कुल वैसे तो साफ है, लेकिन इसकी आईसी मैंने निकाल ली है दोस्तों। ये आईसी आप सभी के सामने पड़ी है ठीक है। तो ये आईसी थी दोस्तों इसके अंदर, और चार्जिंग हमारी परफेक्ट चल चुकी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा ठीक है काफ़ी हद तक। तो इतना ही वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो एक बार मैं आईसी के प्रिंट आपको नीचे से उठा के दिखा देता हूँ ठीक है। तो आईसी के प्रिंट आपको मोबाइल को स्टैंड से निकाल लेता हूँ और तब दिखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है। तो ये आईसी थी हमारी ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल लगी है ठीक है। तो इतना ही वीडियो है दोस्तों, थैंक यू सो मच।